तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष की तरफ से इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई है और निर्णय किया गया है कि सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा। विपक्षी पार्टियों की बैठक में महाभियोग लाने का फैसला है और इस वक्त अपडेट भी हम आपको बता देते हैं कि विपक्ष ने नोटिस दे दिया है। सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने का नोटिस विपक्ष की तरफ से दे दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र अपडेट देखिए, महाभियोग के लिए जो 50 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए था, कांग्रेस ने उससे ज़्यादा सांसदों का हस्ताक्षर करा लिए है इस मुहिम में। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस महाभियोग का नोटिस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को सौंप दिया गया है। तो कहीं ना कहीं महाभियोग लाने की एक प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है वो आज से अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हो गई है। अब उपराष्ट्रपति इस पूरे नोटिस का आकलन करेंगे कि क्या इस नोटिस को राज्यसभा में लाया जाए सांसदों के समक्ष और सांसदों की सहमति लिया जाए। ये अगले सेशन में होगा यानी मानसून सेशन में। और विद्या बात और भी है, एक केवल नोटिस लाने के नहीं, राज्यसभा में जब यह आएगा, पास होगा, खारिज होगा, यह अलग मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा एक और भी बात है कि जब महाभियोग का नोटिस दिया जाता है, एक्सेप्ट अगर उपराष्ट्रपति कर लेते हैं तो कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों के तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी कि चूंकि सीजेआई के खिलाफ महाभियोग का नोटिस पेंडिंग है इसलिए वो कोई कामकाज न करें, किसी भी जो सुनवाई कर रहे हैं उससे अपने आप को ही रिक्यूज करें, अलग करें। ये इस तरह की भी मुहिम चलाई जाएगी, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है वेंकैया नायडू क्या इस नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर या फिर इसे खारिज करते हैं, और क्या राज्यसभा में जब इस नोटिस को लाया जाएगा तो क्या उसमें पूरा बहुमत होगा, क्योंकि उस समय भी इस पर सहमति ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की एक भूमिका तैयार की जा रही थी उसकी शुरुआत हो गई है। जी रविंद्र, तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि नोटिस दे दिया गया है इस मामले में, महाभियोग सीजेआई के खिलाफ लाने के मामले में नोटिस दे दिया गया है, और मेरे सहयोगी रविंद्र इस पर ज्यादा जानकारी लगातार हमारे साथ दे रहे हैं। रविंद्र यह बताइए कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और उस प्रक्रिया की शुरुआत के तहत तमाम जो सांसद के हस्ताक्षर होते हैं वो करा लिए गए, मैं आपके पास लौटकर आऊंगा। रविंद्र, रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कांग्रेस ने ये नोटिस सौंप दिया है और इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रोसेस है उसके तहत लगभग 50 सांसदों के सिग्नेचर होने हैं, तो वो 60 के आसपास सांसदों के सिग्नेचर है। एक सेटबैक जरूर है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पहली जो टीम थी 15 पार्टियां इसमें शामिल थी, लेकिन 15 से घटकर सिर्फ 7 पार्टियां रह गई हैं आज की मुहिम में, और ज्यादातर पार्टियां कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर रही हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे आपको टीएमसी हो, चाहे तमाम और पार्टियां आरजेडी हो, सब आज पार्टियां इस मीटिंग में भी नहीं आए। तो कुल मिला जुलाकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अब मजबूरी में ये लाना पड़ा है, और इससे पहले जो पार्टियां का एक बड़ा टीम उनके पास था अपोजिशन पार्टी का, वो टीम छोटा हो गया है। लेकिन बावजूद इसके देखिए कांग्रेस को एक मैसेज देना था, जो मैसेज देने में कांग्रेस की तरफ से देरी थी, बाकी पार्टियों ने लगातार कहा था। आपको याद हो कि एनसीपी के नेता ने बकायदे बोला था कि हमने साइन किया है, सपा ने बोला था कि हमने साइन किया है, आरजेडी ने बोला था कि हमने साइन किया है, लेकिन कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि आखिर महाभियोग को लेकर अब महाभियोग का नोटिस देना है या नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर दो खेमा था इस बात को लेकर। कोई कह रहा था कि इसको नहीं देना चाहिए, इसका मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि इसको अयोध्या से जोड़कर बीजेपी खेलेगी,